मौदा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मारोड़ी गांव में दोपहर 2:50 से 3:30 के बीच 42 वर्षीय रामराव मस्के और 65 वर्षीय भावराव मस्के इन दोनों के घर से चोरी होने की घटना सामने आई। आरोपियों ने दोनों घरों से 3,55,000 की चोरी किए जाने की जानकारी सामने आई है। वही पुलिस द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की जाँच जारी है। मिली जानकारी के अनुसार 25 मार्च को रामराव मस्की बेटी की शादी के लिए अपने रिश्तेदार के घर गए थे। वहीं रामराव मस्की के माता पिता खेत में चना काटने के काम में लगे हुए थे। आनंदराव मस्की जब घर गए तो उन्होंने अपने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखा, जिसके पश्चात उन्होंने रामराव मस्की को फोन किया और संपूर्ण घटना की जानकारी दी। रामराव मस्की ये घर आए और तब उन्होंने पाया कि बेडरूम से 1,50,000 की कैश और सोने के जेवरात जिनकी कीमत 50,000 थी, उनकी चोरी हुई है। वहीं उन्होंने देखा कि बगल में रहने वाले भावराव मस्के के घर से भी 5,000 कैश और 1,05,000 के गहने की चोरी हुई है। इस मामले में उन्होंने तत्काल शिकायत करते ही मौदा पुलिस निरीक्षक हेमंत कुमार खराबे, सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद चौधरी और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। VKB न्यूज के लिए मौदा से हर्षा रोशन खेड़े की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।